विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर फिल्म बनने जा रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाउ एंड देन इस फिल्म का शीर्षक है। वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर के विचार कितने प्रासंगिक है, इस विषय पर इस फिल्म का फोकस होगा। मुंबई में रहने वाली ज्योतिन शाह इस फिल्म का निर्देशन करेगी। फिल्म काला और कबाली जैसी फिल्मों के निर्देशक पारंजीत ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म की घोषणा की है। क्राउड फंडिंग के जरिए इस फिल्म के लिए पैसा जुटाया जाएगा। फिल्म के निर्देशकों को उम्मीद है कि यह एक बेहतरीन फिल्म होगी। पारंजीत लिखते हैं कि यह फिल्म ऐतिहासिक होगी। ज्योति निशा और नीलम प्रोडक्शन के जरिए इस फिल्म का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि पारंजीत शहीद बिरसा मुंडा पर फिल्म बना रहे हैं। इसके अलावा और एक फिल्म का निर्देशन वो कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर जब्बार पटेल ने फिल्म बनाई थी, ये फिल्म उस वक्त काफी चली। साउथ के सुपरस्टार मामूटी ने इस फिल्म में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका निभाई थी। एक इंग्लिश निर्देशक भी डॉक्टर अम्बेडकर पर फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी। पारंजीत द्वारा निर्मित और दिग्दर्शित फिल्म डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सफल होगी, ये उम्मीद है। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर पर बनने वाली ये फिल्म सभी भारतीयों के लिए एक गौरव साबित होगी। विदेशों में भी ये फिल्म बेहद लोकप्रिय होने की उम्मीद है।